तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर पे फ्लिपकार्ट सर्च करेंगे और इसे सर्च होने के बाद अब इन्हें इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं कि हो रहा है और कुछ देर में हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो गया है तो आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से खुल के आएगा, आप इसे अलाउ कर देंगे। आप यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं दी गई हैं तो आप जो भाषाएं सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इंग्लिश भाषा सेलेक्ट की है। भाषा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद आपका फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा और जब ये फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा तो आपको फ्लिपकार्ट पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप फ्लिपकार्ट पे जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं आपको वो इजीली मिल जाएगा। तो आप अब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जो भी आपको सर्च करना हो वो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो आ जाएगा। मगर मैं यहाँ पे कुर्ता सेट सर्च कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कुर्ता आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ कुर्ता सेट आ गए हैं तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस टाइप का है ये और एक इस टाइप का है। आप जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर आप अपना साइज ऑर्डर देख लीजिएगा, जो आपके साइज आए वो कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी भी, अगर आपको पसंद नहीं आता है ये या साइज़ का कोई इशू हो जाता है तो आप रिटर्न और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम साइज ऑर्डर किया है और फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर दीजिएगा। जैसे पहले आप इस टाइप को देखने का मिलेगा, फिर आप उसमें नेम भरिएगा, मोबाइल नंबर भरिएगा, पिन कोड भर दीजिएगा और आपका जो भी पिन कोड हो आपके शहर का वो भर सकते हैं। आप स्टेट नेम डालिएगा, आप जहाँ के हैं सिटी का नेम डालिएगा, हाउस नंबर डालिएगा, बिल्डिंग नेम डालिएगा और यहाँ पे जिस एरिया कॉलोनी में रहती हैं वो डालिएगा। आपका सेव का एड्रेस का ऑप्शन आएगा, आप सेव कर दीजिए। आपका एड्रेस सेव हो जाएगा तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब पूरा एड्रेस भरने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप अपना पेमेंट जिससे भी द्वारा करना चाहते हैं वो उससे कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ना तब ये हो जाएगा। आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।